दादा गुड मॉर्निंग। अक्षित अपनी गाय को लेके गया है पालमपुर? मेरी आया तो नहीं ना? नहीं। आपका मूड क्यों ऑफ है इतना? मैं ऐसे थोड़ी है, सर दर्द है। और ये घर की वजह से सर दर्द या दफ्तर की वजह से? ये तो बता दो यार। ऐसे ही जनरली हो गया। कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है, डायग्नोसिस शुरू हुई है। अलग मूड है? नहीं, तो अक्षित अपनी गाय को लेके गया है पालमपुर? सर अक्षित की गाय का भी खत्म हो गया रात में, तो आया तो आज वो पेपर वर्क करवाना जरूरी है ना, क्योंकि रेडीज है गवर्नमेंट में तो रहना जरूरी है ये चीज, वो पेपर वर्क करानी है। अक्षित जो हमारे यहाँ पैरा वेट है उसकी गाय जो है उसको रेबीज हो गया, और मतलब सरकारी क्लिनिक में ये भी नहीं हुआ कि उसको यूथनाइज कर दें, मतलब जो रेबीज वाली गाय है वो तड़प तड़प के मरेगी, और अगर उस दौरान उसने किसी को चाट लिया जिसके कट लगा हुआ था उसको भी रेबीज हो जाएगा। तो मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे जो एनिमल रिलेटेड लॉज हैं इतने वियर्ड, इतने कमज़ोर से क्यों हैं, जो ना एनिमल को बचा रहे हैं ना ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में मदद कर रहे हैं। मैं इसका नाम भूल जाता हूँ। था जब आई थी, मैं सोच रही हूँ कि अगर हमें रीचेक भी करना है, एक हफ्ते का गैप लेना होता ना आखिरी में, क्योंकि अभी हमारे पास पेंडिंग केसेस हैं, तो मैं इसको वहाँ पे रिलीज करवा देती हूँ एक रीचेक। दानू तो मिल नहीं रहा हमें, ये मिलेगी सर? वो इतना बड़ा दानू, इतने लोगों ने कॉल किया था इसके लिए, इतने लोगों ने, और टांडा है ना तो मेन जो हॉस्पिटल वाला एरिया है वहीं से है ना ये। अच्छा रुक जा, गोरू देख लिया से मारना है तू, क्यों परेशान कर रहा है उसको? आज बुत्ते आज हम पहले इंजेक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम गोरू की पिटाई करेंगे, ठीक है? दीदी कैची नहीं पकड़ आ रही है, फेंक रहे हो कैची को इधर उधर। That's my style. बाबा अंडा खाना नहीं दे रही उसको। ब्लर कर देना इसको, थप्पड़ पड़ते हैं। सर रेखा जो है वो रिलीज हो गई ना? हाँ मेरे को पता लगा, वो बड़ी शरारती थी वैसे भी। और अंडरटेकर को भी आज हम रिलीज कर रहे हैं सर, देखना पीछे नहीं। फेस पे किक मारी थी इसने, आपके फेस पे किक मारी थी, तो आप इंजर्ड तो नहीं हो? छोटी है ना तो ज्यादा या ज्यादा जोर से नहीं मार पाई। हाँ तो अब इसका हो गया ना ट्रीटमेंट? अच्छे से ट्रीटमेंट तो होगा। चले अंडरटेकर ये ले, मन्नो जाना तो पड़ेगा, चाहे हंस के जाए या रो के जा। सॉरी बच्चे, सॉरी दीदी। अंडरटेकर का हो गया इलाज अच्छे से पूरा? तो अब इसका घाव तो हल्का सा रह रहा था ना? वो सेल्फ ही हो गई। अंडरटेकर गंदी बातें नहीं करना है ना बच्चा, तू इनकी बात क्यों गड़ी बोल रहा है? मैं छोड़ दूंगा मूली को तेरे ऊपर, उस मूली ने देखो ओ डब्बे से डरता हूं मैं। जो अमनदीप की डेथ हुई थी फिर आप लोगों ने क्या किया? अमरप्रीत सर, अमरप्रीत, अमरप्रीत अमनदीप हमारे यहां काम करता है। अमरप्रीत को जो बिल्ली ने मारा था फिर उसका क्या किया था बोलने? हम बता दो, आई थिंक वो बिल्ली ने भी उसको देख लिया, तो अच्छा हुआ ना। ये बाय द वे ज्योति वो नहीं थी, लाइक आप सोच रहे हो हंस रही है, ये वो थी फंस गई। अच्छा है बिल्ली अगर ले गई है उसको, बिल्ली ने एक मुर्गी को मारा वो उसे ना लेके जाती फिर वो किसी और मुर्गी को मारती। अगर वो किसी ऐसे कारण से मर गई है भाई जो भगवान के हाथ में है, तो फिर उसको कोई खा ले वो बेस्ट है, क्योंकि वो अपनी भूख के लिए कोई और जानवर कहीं और तो मारेगा ना। एक डॉग आ रहा है आज में, वो हमने ट्रीट ऑन ट्रीट कर रहे थे, पैरालिसिस है फ्रंट लेग पे। अच्छा, और वो नर्व सपोर्ट से भी ठीक नहीं हुआ है। तो कैसे हुआ उसको ये एक्सीडेंट? कहाँ पर है डॉग? वो वहाँ पे किसने कोई ठोक दी है उसको, बहुत टाइम पहले पैर की हड्डी है ना नीचे की, वो फ्रैक्चर हुई की पता नहीं क्या, कोई नर्व डैमेज हुई है। ए अच्छा चुप, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नहीं स्पोर्ट ये नीचे कैसे आ गया? स्पोर्ट ने मूली को पकड़ लिया है।
स्पॉट और मूली, मूली के ऊपर उसको चढ़ गया था। अरे फिर मैंने स्पॉट को पकड़ के खींच लिया उसकी उससे। तो आपने बहुत ब्रेवरी दिखाई, थैंक यू। मूली को लगी है? नहीं इसको लगी है। अच्छा हुआ। क्या हो गया, लग गई? तो क्यों लड़ता क्यों है तू? मूली ने मारा देखो, तू तो उस दिन जर्मन शेफर्ड से लड़ने लगा था। बीच में चटोरी भी आ गई एकदम रेस्क्यू के लिए ना। चटोरी रेस्क्यू के लिए, मूली के रेस्क्यू के लिए? ओह वाह, वैसे तो जो स्पॉट करता है इसी के साथ हो जाती है। तो उसको भी तो देखने जाना है स्पॉट कैसे दोस्त नहीं है इसका। हाँ वही ना, अब उसको दर्द हो रही है। हाँ स्पॉट भी ठीक। लड़ाई की है ना इसने और अपने आप को कटवा लिया और कुछ नहीं। रेजिडेंस डॉग है वो, थोड़ी शर्म कर लो तुम लोग, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बेचारे बैठते हो। इनको ट्रेन करो ना कि दूसरों से नहीं लड़ना होता है। बस ये राजा है। तुम लोगों को तो कुछ नहीं आता है, कुंडी लगाने नहीं आती यार, शेम ऑन यू गाइस। देख रहे दीदी ये प्रोडक्ट टीम वाले कैसे होते हैं। तुम्हें पता है कि फिर ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे है ना कि हमारे से कुंडी खुली रह गई है। देख तो होता गलती कर दी, चलो कोई नहीं, गलती इंसान से होती है, माननी भी तो चाहिए ना। या भगवान से हो जाती है या हम तो इंसान है, बट नहीं मानना नहीं है भाई। लड़का कर दिया ना इन लोगो ने, घायल कर दिया। बताओ दीदी कोई बात है, कोई सेंस बनती है इस बात की? मैं मूली को चेक करने गई थी, पता है मैंने सोचा मूली को काटा है क्योंकि क्या कर रहा है मन्नू। शरीफ बन गए वो, शरीफ ने उसकी बेइज्जती हो गई आज। लड़की से पिट के आ गया है। मैं एक दिन या मैं रोटी उठा लेता हूँ, सॉरी मैं एक दिन फार्म से गया, मुझे लगा कब से गया। ये तो सर मेरे को भी लगा था। हाँ मिस किया तुमने मुझे। यस सर। अरे वाह यार, व्हाट अ वेलकम। दिल्ली में जाके ना एक चीज बहुत ज्यादा जो क्लियर दिखती है ना वो ये दिखता है कि यार इनकम डिवाइड बहुत ज्यादा है, मतलब गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है। जो बच्चे होते हैं ना वो पेन बेच रहे होते हैं कि भैया पेन ले लो पेन ले लो, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तुम ये गिम्बल कहाँ से ले रहे हो? हमारे पास तो गिम्बल था नहीं। घर से दोस्त आया था ना वो अमित, नहीं है? हाँ वो आपसे मिलने आया है। आया आज मिलेगा आपसे। आप कृपया हमारे ब्लॉग के लिए हिंदी में बात करने का प्रयत्न करें, उससे आपकी भी हिंदी अच्छी होगी। बहुत खराब मेरी। मैं जब अमेरिका गया था ना, मेरी इंग्लिश ऐसी थी कि इतनी बस की कैट डॉग टेबल इतना बस, मतलब लिख लेता था मैं। हाँ लेकिन वीडियोस के सामने थोड़ा थोड़ा अलग। कैमरा तो भूल ही जाओ ना। तो मैं अनीशा, मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ। हाँ और ऐसे कर करके धीरे धीरे जल्दी कर जाएगा आपका। ठीक हो तुम? अक्षित की गाय की वो हो गई ना रेबीज से डेथ, तो और तुमने नाम रखा हुआ था ना। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, इस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे भी हम लोग किसी की इंडिविजुअलिटी को उसकी पर्सनालिटी को इग्नोर कर पाते हैं ना, वहाँ पे बुराई करनी आसान हो जाती है। जैसे मुर्गियाँ हैं सारी एक जैसी दिखती हैं, उन्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं है। गोरे लोगों ने काले लोगों को उस पर स्लेव बना लिया, भाई उनके हिसाब से वो सारे एक ही हैं, उनका कोई नाम नहीं है। नाजीज ने ज्यूज को नंबर दे दिए, इसी तरह जानवरों के भी टैग लगते हैं, नंबर दिए जाते हैं, तो उनके साथ कुछ भी गलत करना आसान है। अब इनके नाम है, बेटी जी है, राजा है, मैं नहीं कह रहा इनके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता, पर इनके साथ गलत होना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि गली के डॉग्स को खाना भी मत दो, नाम ज़रूर दो, नाम देना सबसे आसान है और नाम से ही पहचान है। रविंद्र जी की भी छुट्टी है, सिर्फ नवीन हमारे पास। अगर बुला लूं कांग मटौर तक, फिर ये लोग आगे बढ़ जाए वहाँ से तो चलेगा? गौरव से पूछ लो। हाँ मतलब अगर वो अग्री करता है तो ठीक है जी। कांगड़ा तक पहुँचे नहीं, गौरव को 10 मिनट लग रहा है, तो वहाँ पर हमें उतने देर में कॉल वायर ट्रैक का केस अमन ने इन्फॉर्म कर दिया। अब इस कुत्ते के बिल्कुल पेट पे तार बंधी हुई है, और ये उसी की माँ ही है जिसका हमने पहले किया था। पता नहीं कौन कर रहा है एनिमल ट्रैप बार बार यहाँ पे आसपास ही। तो आपने कंप्लेंट वगैरह करने की कोशिश करी, कुछ एक्शन लेने? पता चले कि कौन सी गली में है, कहाँ पे है, कौन कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करें। मैं कहूँ दोनों साइड से घेर लो इसको। कोई जी उधर क्यों पैसा ना बाकी पेट कट छोटा। बस क्या बात कर,
ट्रीटमेंट होना है डीप। अभी ऐसे कैसे लेके जाएंगे, इसमें केज नहीं है। कब तक पॉसिबल है? दो घंटे तीन घंटे तो इसको अंदर बंद कर देते हैं ना। क्या बोलते हैं, ये कांगड़ा वाला जो केस है ना, इसका ज्यादा डीप है तो ये ले जानी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तीसरा केस है ना आपके यहाँ का? दो तो मैंने ही बुला लिए, चार हो चुके हैं, चार हो चुके। एक की तो टांग ही कटी। आप उनको समझा देंगे जी? हाँ जी, हाँ जी। तो शायद वो आएंगे या तो हम ही लेके जाएंगे अगर वो कुत्ता नहीं लेके आएगा। तब तक ना कोई खोले ना उसको ना अंदर से। डॉग को फाइल लगी हुई है और पीछे से तार कट गई है वो। अच्छा। और जो तार है वो उसके पेट में पूरी घुस गई हुई है। नहीं मिल रही नवीन भाई? नहीं यार। अबे डरा दिया यार इन्होंने उसको। पता नहीं कहाँ गई भाभी, तो यही रहती हो कहीं, कहाँ जाना फिर जा रही हो, लोहा फंसा हुआ अंदर में। नवीन भाई इन बच्चों को बोल दो चले जाए ना यहाँ से, इनको देख के डर जाएगी भाई वो। चलो भैया भाई, कमरे चुपती बंद करी नहीं, कमरे चुपती बंद करते फिर फोन करेंगे। हां जी, नंबर उसी नंबर पे ना जो करता वीर। हां जी, हां जी, चलो ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, आज राधा और साहिल की ना क्लास लग रही है। हां जी, तो डॉक्टर अनीशा जो है ना वो राधा और साहिल को थ्योरी सिखा रही है। Jyoti told us to shoot it. So mean. Radha, secret, secret. तुम इस गाड़ी पे आए ना तो मुझे लगा वो जो तुम्हारा दोस्त आ रखा है तुम उसके साथ आए। मुझे उन्होंने बताया कि तुम अभी रेस्क्यू से अब आ रहे हो। नहीं सर, रेस्क्यू से अब आए सर। तो मुझे तो लगा तुम लोगों ने जो गाड़ी करी होगी कोई वैन वगैरह करी होगी, कुत्ता भी तो लाना था। इसी में ही ले आए हो? पीछे डिग्गी में डाला है। एक ले आए जो अलग केस आ गया था, हम जब रास्ते में थे ना हमें फोन आया कि ये ऐसे ऐसे कुत्ते के वाइल्ड ट्रैप फंस गया है तो आप आ जाओ अभी अर्जेंट है। हाँ, ज्योति ने मुझे बताया था कि बीच में एक डॉग है। हाँ, तो वो पहले उसको करके उसका वाइल्ड ट्रैप निकाल के उसको दवाई वाई लगा के वहाँ छोड़ दिया उसको, फिर वापसी में उठा लेंगे, किसी और को भेज देंगे उठाने के। फिर हम दूसरी रानीताल गए फिर कुत्ता उठाने, तो वो भाग गया, तो पूरा गांव उसके पीछे पीछे भाग रहा है कुत्ते। वो जो 40 किलोमीटर दूर वाला था वो भाग गया है, वो वाला भाग गया सर 40 किलोमीटर। अरे यार, अब उसका फिर अब कोई दोबारा उनको बोला है कि कॉल कर दें? कल उसने कॉल की थी बंदे ने, तो बोलता कि मैंने कमरे में बंद कर। अच्छा, ये रास्ते में कॉल आई है? हाँ, जब हम वापसी आ गए ना, जब पहुंच गए। अरे यार, उसके पीछे सर 28 मिनट भाग गए। तो 28 मिनट इतना तुम क्या स्टॉप वॉच लगा के भाग रहे थे क्या? GoPro की रिकॉर्डिंग है 28 मिनट की। अच्छा चलो ठीक है जी। एक बात और, इस व्लॉग से जो हमारी बिहाइंड द सीन्स मीडिया टेबल की डिस्कशंस है या हमें आपसे किसी सामाजिक मुद्दे पे बात करनी है, किसी रेस्क्यूअर को इंट्रोड्यूस करना है, वो सब भी हम एनिमल अपडेट्स के बाद रखेंगे। कल रेनू काफी वो अच्छी फुटेज लेके आया है मुर्गियों की। क्या क्या था उन्होंने? इंसेमिनेशन, स्पर्म डालना या कलेक्शन, दोनों? मुर्गा से स्पर्म निकाल के देन दे इंसेमिनेट दी मुर्गी। एंड स्पर्म कैसे निकाला उन्होंने? वो जैसे बैल का निकालते हैं, रॉड डाल के और करंट लगा के? नहीं, दे प्रेस एंड देन उनके पास एक ट्यूब है उसमें वो कलेक्ट करेगा एंड देन सिरिंज में लेके दे इंजेक्ट। ये मुर्गा है? हाँ। ये बड़ा है काफी। चूचू जैसा लग रहा है? नहीं, चूचू तो अगर चूचू ने दो तीन चूचू खा लिए तब वो इस साइज का होता है, वैसे लग चूचू ऐसा रहता है। जो मेन चीज हमें व्लॉग में इंक्लूड करनी है जो नहीं है, उड़ीसा में शायद कहीं पे भुवनेश्वर में हॉकी की कोई गेम होनी है और उसके बहाने से वो सारी गाय जो है सड़क से हटा रहे हैं, पर मेन रोड से नहीं हटा रहे, सिंपली अंदर गलियों में जा जाके पकड़ रहे हैं इस बहाने से, और फिर उन्हें जाके किसी ऐसी गौशाला में बुरी तरह डंप कर रहे हैं जो वेस्ट बंगाल के रास्ते में है, जो गाय स्मगलिंग का सबसे बड़ा हब है। तो एक तो हमें इस बारे में वीडियो बनाना होगा कि ये न्यूज बने, लोगों को पता लगे कि यार ये हो रहा है गाय के साथ। मुझे समझना है वो हॉकी क्या और उसका रिलेशन क्या है? कोई रिलेशन है नहीं ना, उन्होंने हॉकी का बहाना बनाया कि भाई क्योंकि हॉकी की गेम्स होनी है, प्लेयर्स आएंगे, लोग आएगा, मीडिया आएगा, तो हमारी सड़कें साफ हैं, इस पे कोई स्ट्रे गाय नहीं है। डॉग्स, डॉग्स के साथ तो नहीं कर रहे, तो ये भी दैट इज अ गुड पॉइंट। तो ये क्योंकि लोग जो कह रहे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि इसका मोटिव कुछ और है कि भाई गाय को वहां जाके डंप कर दो, वो
स्मगलिंग वाले रास्ते में, क्या पता चल रहा है वहां से क्या हो रहा है, तो इसको हमें किसी तरह तो इंक्लूड करना है। तुम ऐसा करो, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं साहब, तुमने पूरा किया है? इसी को, इसी बिट को डाल दो। गुड मॉर्निंग करने आते हैं, खाने आ रहे हैं ये। जो लोगों को डॉग फाइटिंग का शौक है वो ये क्यों नहीं देख सकते? ये भी तो सही है, मतलब डॉग लड़ रहे हैं, एंटरटेनिंग है, कार्टून की तरह चलता रहता है। ये तो कडलिंग हो गए ना, फिर कडलिंग थोड़ा ना, ये कैसी कडलिंग है? तुम ऐसे कडल रहे हो, खेलना पसंद है। डिक्की की फ्यूचर वाइफ को पता होना चाहिए कि डिक्की कडलिंग करता है, बैठ रहे हो।